Hello friends, myself Chetan Thakur. Today I learn standard 10th English medium subject maths exercise. Start a new exercise 14.3. Last time we have to discuss find the median of given data. So median m is equal to l plus equation l plus n by 2 minus cf divided by f into h. एंड लेस देन टाइप यानी कि इज अ बिलो इट मी कंसिडर एज अ अपर लिमिट. नाउ स्टार्ट सम टू अंडरस्टैंड मोर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चंस. लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप टू टाइप्स आर हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर मीन मीडियन एंड मोड 13.3. क्वेश्चन नंबर वन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ लोकेलिटी. फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ डेटा एंड कंपेयर देम. So first of all, find median of given data. So m is equal to n minus 2 minus cf divided by f into h, value of median. So first of all, equations details can be written. Monthly consumption and number of consumer, and here find CF. So given interval 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205, and number of consumption 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4. These are a frequency of given class. Now CF. So first of all, return 4. Next 4 plus 5 is equal to 9. Next, this 9 is added by this 13, so answer is 22. This 22 can be added by 20. So answer is 44. Now this 44 can be added by 14. So 4 plus 4, 8 plus 1, 5. This 58 add by 8, so answer is 66. Once again, this 4 plus 5, 9, 9 plus 13, 22, 22 plus 20. 20 plus 22, 42.
this 42 can be add by this 14, means 56. This 56 can be add by 8, so answer is 64. And last 64 plus 4, 68. Now we have to decide it by n. So number of n is equal to 60. N is equal to 68. Now, so n is equal to 68, therefore n by 2 is equal to 68 divided by 2, it means 34. So answer is 34. Now, in nearly 34, it means is a value is nearest highest value of 34, n by 2, more than n by 2, yani ki here 42 jo hai yahan pe wo nearest highest value hai. तो ये हमारा जो क्लास हुआ वो हमारा मॉडल क्लास हुआ, तो वहां पे हमने लाइन की इज अ मॉडल क्लास. तो इस तरह से आपको सीएफ फाइंड करना है और इसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे लिए होगा सीएफ. दिस अ वैल्यू ऑफ सीएफ यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. और विच टाइप ऑफ हियर इज अ लेस देन टाइप, लेस देन टाइप सीएफ. सीएफ मींस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो आपका जो मॉडल क्लास मिलता है उसके ऊपर एक स्टेप अपर की जो वैल्यू होती है वो सीएफ की होती है. देयरफॉर हमारा जो मॉडल क्लास है वो मॉडल क्लास 125 से लेके 145. देयरफॉर लोअर लिमिट इज इक्वल टू 125. सो 125 इज अवर लोअर लिमिट. वैल्यू ऑफ सीएफ इज इक्वल टू एक स्टेप अप यानी कि 22. नाउ फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी can be denoted by this term. So is a 20 is our frequency. So f is equal to 20. And h class gap. तो 105 to लेके 125 इन दोनों के बीच में जो gap है वो 10 की gap है. h is sorry 20 की gap है. Median m is equal to l plus n by 2 minus cf divide by f into h. इस तरीके से solve करना है. लोअर लिमिट के लिए l इज इक्वल टू 125 प्लस n बाय 2 यानी कि 34 माइनस सी एफ इज इक्वल टू 22. वैल्यू ऑफ f दिस 20 एंड दिस 20 आर कैंसल. 125 प्लस 34 माइनस 34 माइनस 28 सो 12 137 यूनिट. मीडियन ऑफ दिस डेटा द आंसर ऑफ इन सिमिलर वे यू हैव टू फाइंड मीन एंड मोड इन होमवर्क. इन होमवर्क यू हैव टू फाइंड मीन एंड मोड ऑफ सेम क्वेश्चंस एंड कंपेयर योर लास्ट आंसर. So once again, first of all, you have to start monthly consumption, number of consume FI, less than type CF 65 to 85, addition किया हमने. First of all, addition करने के बाद n is equal to 68, therefore first of all we have to find n by 2, यानी कि 68 by 2 is, it means 34, 34 से highest value आई 42, तो ये हमारा हुआ model class. तो model class से हमें lower limit मिली, frequency मिल गई. मॉडल क्लास के एक स्टेप ऊपर की जो वैल्यू होती है वो मिलती हमें सीएफ की. तो यहां से हमें सीएफ फाइंड किया. तो ये बात हुई हमारी मीडियन की. हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आर कंप्लीटेड ऑफ एक्सरसाइज 13.3. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर. ये जो होमवर्क का पार्ट है, मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है सेम क्वेश्चंस के लिए. ये दोनों टेबल के लिए आपको मीन एंड मोड दोनों फाइंड करने हैं, तो वो आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं. उसके बाद ये सम के बाद मीन फाइंड करो, उसके बाद मोड फाइंड करो, तीनों के आंसर कंपेयर करो एंड देन क्वेश्चन नंबर टू क्या हो. इन क्वेश्चन टू इज अ डिफरेंट. सो लास्ट क्वेश्चन जो टू है वो आपका डिफरेंट फॉर्म में है, तो उसके लिए हम ये जो सम है वो बाद में सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर थ्री पहले देख लेते हैं.
क्वेश्चन थ्री देख लेते हैं, क्वेश्चन टू डिफरेंट है। तो क्वेश्चन थ्री, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। ये आपको एक कहा गया है 60 ईयर। तो आप एज देखोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलिसी होती है वो 18 ईयर से स्टार्ट होती है, इसलिए हम जो फर्स्ट की जो गैप है वो डिफरेंट रखेंगे। यहाँ पे बिलो 20 क्वेश्चंस देखोगे आप, तो बिलो 20, बिलो 25, इस तरीके से आपको सारी रेंज देखने को मिलेगी। तो ये रेंज को कंप्लीट करने के लिए बिलो 20 एज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम बनाते हैं एज इन ईयर, उसको बोलेंगे हम क्लास। सेकंड है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का नेम होगा नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर एंड लास्ट में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट मींस सीएफ। 18 ईयर से स्टार्ट होती है तो फर्स्ट 18 रखेंगे, उसके बाद आप देखोगे बिलो 25 और उसके आगे बिलो 20 है, तो 5 की गैप है 20 से लेकर 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, सो रिटर्न हियर 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6, 2, टोटल आंसर इज 100 पॉलिसी होल्डर। नाउ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो रिटर्न डाउन फर्स्ट ईयर 2, सो डायरेक्टली हियर 2। नाउ दिस 4, इट मीन्स 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, दिस 6 प्लस दिस 18 कैन बी एडेड, सो द आंसर इज 24, दिस 24 कैन बी एडेड इन दिस 21, सो वी गेट 45, नाउ दिस 45 कैन बी एड 33, सो आंसर इज 78, दिस 78 एडेड दिस 11, सो आंसर इज 89, दिस 89 एड बाई 3, सो आंसर इज 92, दिस 92 एड 6, सो 98, this 98 by 2 is equal to 100. Now find n. n is equal to 100, therefore n by 2 is equal to 100 by 2 is equal to 50. अब ये जो n by 2 है वो आपको देखना है, nearly 50 से nearly highest value 78 मिल गया आपको। 78 है जो आपका मॉडल प्लस हुआ, तो वहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, वहाँ से आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक मॉडल क्लास, मॉडल क्लास 30 टू 40 इज आवर मॉडल क्लास, देयरफॉर लोअर लिमिट इज इक्वल टू 35 एंड दिस 33 इज आवर फ्रीक्वेंसी वैल्यू एफ एंड वन स्टेप ऑफ वैल्यू 45 इज आवर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ एंड लास्ट H, class gap. So class gap is 5. So find median. N is equal to L plus N by 2 minus CF divided by F into H. Lower limit of model class 35 plus N by 2, it means 50 minus CF. Value of CF is equal to 45 divided by F 33 into 5. So 35 plus 50 minus 45, answer is 5, 33 into 5, so we get 35, 5 into 5, 25 divided by 33, so final answer 35, 76. How can you get this answer? So first of all, 25 divided by 33, answer is 0.5.
76. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दोनों का डिवीजन करना है, डिवीजन का जो आंसर आता है वो 35 में ऐड करोगे तो 35.76 इज अ मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट किया है. सो इन दिस नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2. स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मीन, मीडियन एंड मोड सॉल्व करना है, उसके बाद देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. सो वंस अगेन इज अ इन क्वेश्चंस यू कैन सी इन टेक्स्ट बुक बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी टर्न इनटू रेंज, इट मींस क्लास रेंज. सो 18 ईयर पॉलिसी स्टार्ट, सो स्टार्ट विथ 18 टू 20, नाउ 20 टू 25, 25 टू 30 एंड 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45. इन दिस क्लास रेंज कैन बी सेट अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस. तो दिस टाइप इज अ, ये जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह से क्वेश्चन से आपको क्लास सेट करना है और आगे सी एफ फाइंड करना है. इज अ लेस देन टाइप, और यही फॉलो करनी है आपको, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी कैन बी फॉलो. थैंक यू फ्रेंड्स.